कोरोना महामारी के कारण कई श्रद्धालु धार्मिक स्थलों पर फंसे हुए हैं। पंजाब से भी कई सिख श्रद्धालु नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा श्री हुजूर साहिब में अटके हुए हैं। इन श्रद्धालुओं की ओर से घर वापसी के लिए गुहार लगाई जा रही थी, जिसे संज्ञान लेते हुए एमपी सनी देओल ने नांदेड़ के एमपी प्रताप राव पाटिलकर से मदद मांगी है। परिणाम स्वरूप एमपी पाटिलकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जल्द इस मामले में कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि सिख श्रद्धालु घर वापसी कर सके। कोरोना वायरस के चलते पूरा दुनिया इसकी चपेट में है, जिसका असर भारतवर्ष में भी चल रहा है। तो इसके अंतर्गत भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, पूरे देश में 21 दिन के लिए लॉकडाउन रखा हुआ है। तो लॉकडाउन के चलते हुए हमारे गुरदासपुर के बहुत से लोग नांदेड़ हजूर साहब महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं। उनकी एक रिक्वेस्ट हमारे यहाँ के माननीय सांसद सनी देओल जी को की गई कि उनको उनके घर लाने का प्रबंध किया जाए। तो उसके तहत सनी देओल जी ने प्रयास करते हुए अपनी लेटर नांदेड़ के जो मेंबर पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है, उनको रिक्वेस्ट की, और उनकी रिक्वेस्ट करने के बाद वहां के नांदेड़ के जो एमपी हैं भाजपा के, उन्होंने ये बात लिख करके भारत के होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी को लिखा कि उनको घर भेजने का प्रबंध किया जाए। इसके साथ उन्होंने एक लेटर नितिन गडकरी जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी लिखा कि जो ऐसे व्यक्ति वहां ठहरे हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से रुके हुए हैं, उनको उनका घर भेजने का प्रबंध किया जाए। ऐसे हमारे गुरदासपुर के बहुत से और भी लोग जगह जगह लॉकडाउन की कारण फंसे हुए हैं। तो हमारे यहाँ के सांसद माननीय सनी देओल जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास से ये सब काम हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वो लोग अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। ऐसे पंजाब के बहुत से लोग, अन्य लोग, क्षेत्रों के लोग, 1800 से भी ज्यादा बहुत सारे लोग बाहर फंसे हैं लॉकडाउन की वजह से, उनके लिए भी सनी देओल जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जो प्रयास सनी देओल जी द्वारा किया जा रहा है, उसके चलते ये लोग अपने अपने घर सुरक्षित बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये सारी बात भारत सरकार के वक्फ विभिन्न विभिन्न मंत्रालयों से दी है, और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द वो अपने अपने घरों में पहुंचेंगे। तो इसके लिए मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, सनी देओल जी का अत्यंत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने ये सब इस काम के लिए लगे हुए हैं। धन्यवाद। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defense Road, Pathankot. ऑकलैंड पब्लिक स्कूल त्रेहटी शापुरकंडी जुग्याल पठानकोट प्राउडली अनाउंसेस ओपनिंग ऑफ एडमिशन फ्रॉम नर्सरी टू 12th क्लास। स्कूल इज एंडोर्ड विद लश ग्रीन एंड पीसफुल कैंपस स्प्रेड ओवर 5 एकर्स ऑफ लैंड। वी यूज लेटेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड बिलीव इन प्रोवाइडिंग द बेस्ट एजुकेशन द चाइल्ड डिजर्व्स। वी हैव वेल इक्विप्ड लैब्स फॉर साइंस एंड कंप्यूटर, also well-equipped library for cultivating reading habits among the learners, affordable fee structure and scholarships, conveyance also available. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot. Feel free to call us on 70875-36789, 70875-46789. St. Mary's Senior Secondary School, Sujanpur. Here, we hope to create an atmosphere for education. At St. Mary, academic subjects and extra co-curricular activities complement each other to develop social skills and health of students. Theory and concepts are well understood
by performing scientific experiments on their own. Our school encourages students to think independently and in depth of their own ways. Well-furnished library. Library is a place from where we get peace and lots of vital knowledge, which is very essential for our life. High-tech computer lab. Language lab for English proficiency. St. Mary's Senior Secondary School, Kalachak Road, Sujanpur, District Pathankot. Affiliated to CBSE, New Delhi. For admissions, call 0186-2244625, 9876-660625, 855-883-5275.